तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल न्यूज स्टडी पॉइंट में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आप लोग को लेकर आ गया हूँ क्यूचन बैंक का ऑब्जेक्टिव, जो 2011 से लेकर 2019 तक के जितने भी बोर्ड में इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पूछा गया है वैसे क्वेश्चनों को आप लोग को आज मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। ये वीडियो बहुत ही आप लोग के लिए लाभदायक होगा, क्योंकि इसमें आप लोग को 80 से 90% तक के आपका ऑब्जेक्टिव जो है कम्प्लीट हो जाएगा, जिससे आप एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। अगर आप लोग ये वीडियो को अंत तक देखते हैं तो बहुत ही फायदेमंद आपको मिलेगा लास्ट में। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाल रंग में अगर सब्सक्राइब दिख रहा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि मैं इस सभी सब्जेक्ट का इस चैनल पर आप लोग के लिए तैयारी करवाऊँगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन आपको, जैसा कि बता देना चाहता हूँ कि 2011 में जो उस वर्ष एग्जाम होता था, तो उस वर्ष एग्जाम में आपको 20 ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाता था साइंस में, सभी सब्जेक्ट का। साइंस में आप लोग को पूछा जाता था केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायो से, तीनों से आप लोग को पूछा जाता था। तो जिसमें आप लोग को 20 ऑब्जेक्टिव का 2011 में जो क्वेश्चन पूछा गया वह सब प्रोवाइड करवाऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हीलियम कैसा तत्व है, इजी और सिंपल क्वेश्चन है। तो आप लोग को यहाँ पर जो हीलियम है अक्रिय तत्व होता है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जल और हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात कितना होता है। तो जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात होता है 2:1 होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं तीन नंबर क्वेश्चन में, बोला जा रहा है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। अगर आपसे आवर्त पूछे तो आवर्तों की संख्या 7 होती है, अगर बार की संख्या 7 होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चार नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि सिलिका क्या है। तो सिलिका एक उप धातु होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन पाँच में दिया गया है आपको कि OH क्रियाशील का मूलक है। तो OH किस क्रियाशील का मूलक होता है, तो एल्डिहाइड का होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन में, बोला जा रहा है कि प्राकृतिक में ऑक्सीजन की संतुलन कैसे बने रहता है, यानी प्राकृतिक में जो हम ऑक्सीजन की संतुलन किसके द्वारा बना रहता है। बहुत ईजी और सिंपल क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में O2 गैस बाहर निकलती है, जिससे प्राकृतिक में ऑक्सीजन की संतुलित बना रहता है। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं सेवन नंबर क्वेश्चन में, बोला जा रहा है कि पौधों के अंतर्गत श्वसन के क्रिया के अंतर्गत ATP के टूटने में कितना ऊर्जा मुक्त होती है, यानी जब ATP को विखंडन होता है तो उस स्थिति में कितना ऊर्जा को मुक्ति होती है। तो वहाँ पर ऊर्जा को जो मुक्ति होती है 3.5 kg होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आठ नंबर क्वेश्चन है, आपको बोला जा रहा है कि मानव हृदय कोष्ठ होती है, यानी मानव के जो हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। तो हृदय के 4 कोष्ठ होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नौ नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि मानव हृदय में औसत प्रकुलन दाब लगभग होता है। तो औसत प्रकुलन दाब जो होता है वो होता है 120 mm। तो यहाँ पर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में, आपको बोला जा रहा है कि पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है। तो बाष्पोत्सर्जन जो होता है वो होता है पत्ता में, जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में, बोला जा रहा है कि कृत्रिम वृक्ष में किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर अपवहन द्वारा पृथक किया जाता है। तो कृत्रिम वृक्ष में जो अपशिष्ट का होता है वो नाइट्रोजन को किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में, आपको बोला जा रहा है कि हाइड्रोजन में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है। तो हाइड्रोजन में जो हाइड्रा में सॉरी 12 नंबर आपको क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि हाइड्रा कि में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है। तो हाइड्रा में प्रजनन द्विखंडन द्वारा होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि पौधों, तो यहाँ पर आपको 13 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। तो अपवर्तनांक में mu का जो मान होता है आपको sin I/sin R होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में, आपको बोला जाए कि दाढ़ी बनाने में दर्पण प्रयुक्त है। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में, आपको बोला जा रहा है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण झुकाव सबसे अधिक होती है। तो किरण की जो झुकाव होती है वो सबसे अधिक किसका होता है, जिसके बारे में इस पर पूछा गया। किरण का जो झुकाव आपको पूछा जाता है वो बैंगनी का किरण सबसे ज़्यादा अधिक झुका होता है। अगर आपसे तरंग दैर्ध्य पूछे तो तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक लाल का होता है, लेकिन यहाँ पर आपको पूछा गया स्पेक्ट्रम में किसका झुकाव, तो झुकाव बैंगनी का आपका हो जाएगा। अब हम चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में, आपको बोला जा रहा है कि विद्युत फ्यूज में विद्युत तार किस प्रकार का प्रभाव पर काम करता है।
तो विद्युत चुंबक जो विद्युत धारा में प्रवाहित कार्य करता हुए उष्मीय पर काम करता है, विद्युत फ्यूज जो होता है जो। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। आपको बोला जा रहा है कि किसी कुंडली में प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है, तो कुंडली में प्रतिरोध कर ज्ञात करने का सूत्र जो यहाँ पर, जैसा कि आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि एक फार्मूला होता है वी बराबर आई आर। अगर ये फार्मूला आप याद रखते हैं तो आपको अगर विभवांतर का पूछे या आवेश का पूछे या प्रतिरोध का पूछे तो तीनों आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पूछा गया प्रतिरोध का, तो प्रतिरोध बराबर आपको हो जाएगा वी बटा आई। तो इस तरह से वी बटा आई आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से अगर आपको आई पूछे कि आप, तो आई का अगर मान आपसे पूछे तो यहां पर आपको वी बटा आर हो जाएगा। इस तरह से आप फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। बोला जा रहा है कि डायनमो किस धारा को पर्यावर्ती करती है, तो डायनमो जो है किस धारा को पर्यावर्ती करती है जिसका बारे में इसमें पूछा गया। डायनमो तो डायनमो जो होता है दृष्ट धारा को भी करता है, प्रतिवर्ती धारा को भी करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दोनों धाराओं को। अब हम चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। कर रहा है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहता है, तो डेंगू जो उत्पन्न होता है गंदे जल से होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। आपको बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, तो बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है और नाभिकीय ऊर्जा। ये भी क्वेश्चन आपको बोर्ड में हर साल पूछा जाता है। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन अगर आए तो आप लोग एकदम ऑब्जेक्टिव को आपको याद कर लीजिएगा कि नाभिकीय ऊर्जा जो है वो बायोगैस ईंधन का उदाहरण नहीं है। अब हम चलते हैं 2012 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। 2011 का आपका कंप्लीट हो गया, तो चलते हैं अब हम 12 में। तो अब हम चलते हैं 2012 में पूछा गया था कि पायरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ऊर्जा देता है, यह क्रिया होता है, तो यह क्रिया किसमें होता है। पायरूवेट का विखंडन जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में। बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने की प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, तो लेंस बनाने के प्रयुक्त में जो नहीं किया जा सकता मिट्टी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में। बोला जा रहा है कि किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार को प्राप्त करने हेतु बीम के उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखना चाहिए, तो वक्ता केंद्र पर अगर आप रखिएगा तो वहाँ पर जो वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का जो आकार बनता है वो सेम बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। बोला जा रहा है कि समान दृष्टि वयस्क के लिए स्पष्ट प्रदर्शन के न्यूनतम लगभग दूरी होती है, यानी कोई भी मानव नेत्र में स्पष्ट रूप से दिखाई देने के लिए जो दूरी होती है न्यूनतम 25 सेंटीमीटर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो यहाँ पर आपका 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बोला जा रहा है कि लोहा की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो लोहा की संख्या तो Fe होता है, इसकी परमाणु संख्या 26 होता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते विलयन के लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान कितना होता है, तो पीएच मान अम्लीय जो होता है वो विलयन को लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो पीएच मान आपको अम्लीय जो होता है, जैसे कि आप लोग पीएच स्केल अगर पढ़े होंगे तो 7 जो होता है वहाँ पर उदासीन होता है, और 7 से जो कम होता है अम्लीय होता है, 7 से जो अधिक होता है वो क्षारीय होता है। तो यहाँ पर अम्लीय होगा, तो अम्लीय का मान जो होगा 5 होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बोला जा रहा है कि 7 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो 2011 में आपको आवर्तों की संख्या पूछा था, तो आवर्तों की संख्या 7 होती है, वर्गों की संख्या 18 होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। बोला जा रहा है कि CHO क्रियाशूल का मूलक है, तो CH जो है क्रियाशूल किसका, क्रियाशूल का मूलक, तो यहाँ पर जो CHO होता है कीटोन का होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग के 9 नंबर क्वेश्चन में। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विद्युत परिपथ के शक्ति को निरूपित करता है, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 10 नंबर में। बोला जा रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को कहते हैं, तो विद्युत धारा जिससे उत्पन्न होता है जनित्र से उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10-11 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, तो लघु पथ में जो विद्युत धारा का मान होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। आपको बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा का ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है, ये क्वेश्चन आपको 2011 में भी पूछा गया था और 12 में भी पूछ दिया है। तो यहाँ पर नाभिकीय जो ऊर्जा है वह स्रोत नहीं है, जैव ऊर्जा का स्रोत नहीं होता। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। आपको बोला जा रहा है कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाले यौगिक निम्नलिखित में से करती है, यह यौगिक जल के विलयन को तत्व हो सकता है, यानी ऑक्सीजन के अभिक्रिया साथ उच्च गलनांक करने वाले तत्व कौन होता है, तो कैल्शियम होता है।
तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए यहाँ पर होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में, बोला एथिन, एथिन का आयनिक सूत्र C2H6 है, तो इनमें से होगा संयोजक सूत्र पूछा जा रहा है कि कितना होगा, तो इसका संयोजक बंधन जो होगा C6 संयोजक बंधन हो जाएगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में, बोला जा रहा है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है, इजी और सिंपल क्वेश्चन है, तो ओजोन की जो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है 3 होती है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मनुष्य में वृक्क तंत्र भाग होता है, तो मनुष्य में जो वृक्क होता है उत्सर्जन से होता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में, बोला जा रहा है कि दो तंत्रिका में कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है, तो सेनेप्स कहा जाता है, दो तंत्रिका के जो मध्य खाली होता है सेनेप्स कहा जाता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्रांगण कोष होता है, तो प्रांगण कोष होता है प्रांगण कण में, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 18 नंबर, बोला जा रहा है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, तो हमारी जो समानता है किससे है, चीनी के विद्यार्थी से या चिंपैंजी से या मकड़ी से या जीवाणु से, तो हमारे दृष्टिकोण से जो विकास के दृष्टिकोण से, हमारा विकास के दृष्टिकोण से जो हो जाएगा चीन के विद्यार्थी से, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं, बोला जा रहा है कि 20 में कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है किस में, तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन ईस्ट में होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो चलते हैं अब 13 वाले क्वेश्चन, 13 में जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है उससे क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड करवा देता हूँ, इजी और सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaCO3 होता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 2nd नंबर क्वेश्चन में, बोला जा रहा है कि COOH क्रियाशील का मूलक है, तो OH जो COOH क्रियाशील का मूलक कौन है जो पूछा गया, तो यहाँ पर अम्लीय क्रियाशील मूलक हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में, बोला जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकला जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया ऑक्सीजन बाहर होती है किससे, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन बाहर होता है कार्बन डाइऑक्साइड से बाहर होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में, आपको बोला जा रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, कहाँ पर मैग्नीशियम पाई जाती है, जो पूछा जा रहा है कि इसमें मैग्नीशियम किस स्थान पर पाया जाता है, तो मैग्नीशियम जो होता है पाया जाता है क्लोरोफिल में, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में, आपको बोला जा रहा है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होती है, तो दृश्य में सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य होता है लाल का, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में, आपको हो गया 7 नंबर में, बोला जा रहा है कि विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि विद्युत बल में तंतु बना होता है, तो विद्युत बल का जो तंतु बना होता है टंगस्टन कहलाता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है 9 नंबर क्वेश्चन में कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती हेतु आवश्यक है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हेतु किससे प्राप्त होता है, तो यूरेनियम से होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में, आपको बोला जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग में उत्तरदायी गैस है, तो ग्लोबल वार्मिंग तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो यहाँ ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है लिटमस बिलियन में बैंगनी रंग होता है जिसका किसका निकाला जा सकता है, तो लिटमस में बैंगनी रंग का जो निकाला जा सकता है जिसके बारे में इसमें आप लोग को पूछा गया है, तो 11 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि लिटमस बिलियन में बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में से किसका निकाला जा सकता है, तो बैंगनी रंजक जो होता है किससे निकाला जा सकता है जिसके बारे में इसमें आप लोग को पूछा गया है, तो इसका जो आपको राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका लाइकेन से निकाला जा सकता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में, बोला जा रहा है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा तत्व बनता है, जो पूछा गया इसमें कि कौन सा तत्व इसमें बनता है, तो इसका जो बनने का जो होता है सोडियम ZnO2+H2O बनता है, प्लस आपको हो जाएगा 2H2 हाइड्रो बनता है, तो 12 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा तत्व बनता है, तो यहाँ पर जो तत्व बनता है ZN2, तो यहाँ पर
12वां क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा तत्व बनता है। तो यहाँ तो जो तत्व बनता है Na2 प्लस ZnO2 प्लस H2O बनता है। तो यहाँ पर H2 बनता है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी आपको जो दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अब हम चलते हैं 13वां क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, तो उदासीन पीएच विलयन का जो मान होता है वो 7 होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 14वां क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक्सारेजिया मिश्रण हाइड्रोक्लोराइड प्लस HNO3 का अनुपात होता है, तो इसका अनुपात कितना होता है, तो अनुपात हो जाएगा 3:1, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि द्विखंडन होता है किसमें, तो द्विखंडन जो अभिक्रिया होता है किसमें होता है, तो अमीबा में द्विखंडन अभिक्रिया होता है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, तो फूलों में नर प्रजनन अंग कौन होता है, पुंकेसर होता है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 18वां क्वेश्चन में बोला अंडाणु निषेचन होता है, तो अंडाणु जो निषेचन होता है कहाँ किससे होता है अंडाणु का निषेचन, तो यहाँ पर आपको जो हो जाएगा फ्लोपियन नालिका के द्वारा होता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें बोला जा रहा है कि आवर्धन लेंस में एम बराबर होता है, तो एम बराबर जैसे कि आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि एम बराबर वी बटा यू होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब 20 और सबसे लास्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि गोलीय दर्पण में फोकांतर एवं वक्ता त्रिज्या में क्या संबंध होती है, तो फोकांतर मैंने एफ बराबर आपको पूछा जा रहा है, तो एफ बराबर आपको हो जाएगा R/2, तो यहाँ पर ऑप्शन सी दिया गया है जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप लोगों के लिए 2012 में जितने इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव पूछा गया तो वो प्रोवाइड करवा दिया हूँ। अब हम चलते हैं 13 में जो पूछा गया था उससे ऑब्जेक्टिव से, तो यहाँ पर आपको 13 का जो था वो 13 का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो पूछा गया था 13 का कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर अब हम चलते हैं 14 में जो है 14 में पूछा गया था उससे रिलेटेड आप लोग को प्रोवाइड करवाऊंगा, तो 14 वाला में चलते हैं। तो यहाँ पर 14 में बोला जा रहा है कि किसी चालक के छोरे के बीच में विभांतर भी है और प्रतिरोध आर है, तो प्रवाहित धारा I के बीच में संबंध क्या होगा। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोगों को एक फार्मूला मैं पिछले वीडियो में भी पिछले जो 2012 में पूछा गया था उससे में भी पूछ दिया गया था, तो यहाँ पर एक फार्मूला आप एक कंफर्म उसे याद कर लीजिए बी बराबर आई आर। अगर ये फार्मूला आप याद कर लेते हैं तो यहाँ से आपको 3 फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। तो बी बराबर आपको जैसे कि मालूम हो जाएगा कि आई आर होता है, फिर यहाँ पर अगर आर बराबर आपको पूछे यानी प्रतिरोध बराबर पूछे तो वी बटा आई हो जाएगा। यहाँ पर ए बराबर आई बराबर पूछे तो यहाँ पर आपको वी बटा आर हो जाएगा। इस तरह से आप तीनों फार्मूला को याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको पूछा गया आर के बीच में आई के बीच में संबंध पूछा गया है, तो आई के बीच में जो संबंध हो जाएगा आप लोग को जैसा कि इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा आर बराबर वी बटा आई, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं सेकंड नंबर में, आपको क्वेश्चन पूछ दिया गया नोमेरिकल है, इसमें बोला जा रहा है कि 100 वाट के विद्युत बल्ब को 250 वोल्ट विभांतर से जोड़ा जाता है, तो प्रतिवर्ती विद्युत धारा का मान पूछा जा रहा है, तो इसमें प्रतिवर्ती विद्युत धारा का मान कितना होगा जो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 0.5 एम्पियर हो जाएगा, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.4 एम्पियर, तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि विद्युत फ्यूज का आधारित है, तो विद्युत फ्यूज किस पर आधारित है, तो धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि विद्युत धारा से उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन आपको 2011 में पूछा गया था और फिर 2014 में आपको पूछ दिया गया है। तो यहाँ पर जो विद्युत जनित से उत्पन्न होता है जनित्र से उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में, आपको बोला जा रहा है कि जब किसी चालक में तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है, उसमें गतिशील कण को तो कौन सा कण गतिशील होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होता है गतिशील इलेक्ट्रॉन कण होता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जीव द्रव्य ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, ये क्वेश्चन भी आपको बार बार रिपीट किया जाता है, ये 2011 में भी पूछा था, 12 में पूछा और यहाँ पर 13 में भी पूछ दिया, 14 में भी पूछा है, तो इस तरह से नाभिकीय ऊर्जा है जो इसमें आप लोग को स्रोत नहीं है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि पावन विद्युत जनित्र में पावन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन आपको अगर मॉडल सेट भी आप लोग अगर देखे होंगे मेरा तो उसमें भी ये क्वेश्चन कम से कम 3 बार आपको रिपीट किया गया है, तो इस तरह से आपको इसको जो होता है इसका 15 किलोमीटर पर आवर मिनिमम कम से कम होना चाहिए वायु की चाल, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया, लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होता है,
तो लेड नाइट्रेट को जो गर्म करने से ऊर्जा जो प्राप्त होता है वो होता है NO2 और O2 प्राप्त होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एवं चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में, बोला जाए सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, या इस प्रकार के अभिक्रिया के क्या कहते हैं। तो इस प्रकार के जो अभिक्रिया संपादित होते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसमें जो आपको रासायनिक सूत्र दे दिया गया और पूछा जा रहा है कि कौन सा रासायनिक समीकरण इसमें जो दिया गया वो सही है। तो यहाँ पर जो रासायनिक समीकरण इसमें सही दिया गया NO2 CO3 + 10 H2O। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चाकू से काटा जा सकता है, तो चाकू से काटने वाला जो दिया गया है इसमें ऐसे तो होता है सोडियम एक ऐसा धातु होते हुए चाकू से काटा जा सकता है, लेकिन इसमें सोडियम नहीं दिया गया है तो लिथियम यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में, बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन अबंधन होता है। तो हाइड्रोकार्बन अबंधन के बारे में इसमें पूछा जा रहा है कि हाइड्रोकार्बन अबंधन कौन है, तो C3H4 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कार्बोनिक ग्रुप का प्रतिकरण है, तो कार्बोनिक प्रतिकरण कौन है जो पूछा जा रहा है इसमें 13 नंबर क्वेश्चन में। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें जो ऑप्शन ए में दिया गया CHO, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में, बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है, यानी सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है। और इसमें दिया CuHgAg और ए डी में दिया गया AU, तो इसमें सबसे अधिक क्रियाशील आपको जो हो जाएगा CU। तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में, बोला जा रहा है कि प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा मुक्त स्रोत क्या है। तो प्राकृतिक में ऊर्जा का मुक्त स्रोत सूर्य होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हरे पेड़ पौधों कहलाता है, तो हरे पेड़ पौधों क्या कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में, बोला जा रहा है कीटों का पंख चमगादड़ की पंख की तरह होता है, कौन सा अंग से होता है। तो समजातीय अंग के द्वारा होता है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में, बोला जा रहा है कि भोजन की पाचन किस प्रकार की क्रिया है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, अपचयन अभिक्रिया या उपचयन या संयोजन या विस्थापन, तो उपचयन अभिक्रिया। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंग है, जंतु है। तो उभयलिंग यहाँ पर आपको हो जाएगा केचुआ, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में बोला, निम्नलिखित में से कौन सा भूमिगत जल का उदाहरण है, नदी तालाब कुआं समुद्र या कुआं। तो यहाँ पर आपको जो हो जाएगा भूमिगत जल हो तो तालाब हो जाएगा, तो ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इससे पहले जो वीडियो आप लोग को बताया हूँ उसमें 2014 के सेकंड सिटिंग में जो एग्ज़ाम हुआ था उससे जो पूछा गया था जो कि उससे रिलेटेड था, तो अब ये 2014 के फर्स्ट सेटिंग में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने के प्रायः किस पदार्थ के क्षण का उपयोग होता है। तो विद्युत चुंबक जो बनाने में हमेशा ऑलवेज नर्म लोहा का उपयोग होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2nd नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हमारे घर में जो विद्युत की आपूर्ति की जाती है वो कितने वोल्ट पर किया जाता है, तो 220 वोल्ट पर किया जाता है। तो वहाँ पर आपको तो 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा पर किया जाता है हमारे घरों में बिजली की आपूर्ति, तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में, बोला जा रहा है कि किसी विद्युत सॉरी 3 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है उसे कहते हैं, तो आँख का हमारे जो बनता है रेटिना पर बनता है प्रतिबिंब, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि स्वस्थ मनु की दूरी न्यूनतम दूरी होती है कितना, 25 सेंटीमीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और VVI क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपका 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 5 नंबर में, बोला जा रहा है कि जीवाश्म ईंधन का ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है। तो जीवाश्म ईंधन का जो ऊर्जा का वास्तविक स्रोत होता है यहाँ पर सूर्य के द्वारा होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में, बोला जा रहा है कि विद्युत चुंबक प्रेरण का खोज किसके द्वारा किया गया था। तो विद्युत चुंबक का प्रेरण का खोज फ्राइडे के द्वारा किया था, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता उस दोष को क्या कहते हैं। तो निकट की वस्तु को अगर नहीं देख सकता है तो दूरदृष्टि कहते हैं, और दूर की वस्तु का स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है तो निकट दृष्टि दोष होता है। तो यहाँ पर उसका अपोजिट होता है, तो आपको निकट की वस्तु अगर साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा तो दूरदृष्टि दोष होगा, अगर दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रहा तो निकट होगा। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं।
तो 8 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि CaCO3 के साथ अभिक्रिया ऊष्मा यानी गर्म करने पर जो ये अभिक्रिया पर कार्य संपादित हो रही है, तो कौन सा अभिक्रिया संपादित हो रहा है यहाँ पर, जिसके बारे में पूछा गया है। यहाँ पर गर्म करने के बाद देखिए यहाँ पर दोनों जो है विखंडन हो रहा है, यहाँ पर वियोजन यानी हो रहा है, दुखंडन दो भाग में बट रहा है, तो यहाँ पर आपको जो हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में, आपको बोला जा रहा है कि साग सब्जी विघटित होकर जो कंपोस्ट बनता होगा किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में, आपको बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक है, तो विजातीय यौगिक इसमें जो हो जाएगा प्लास्टर और पेरिस हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पीएच मान क्षार विलयन को होता है, तो क्षार जैसा कि होता है 7 से अधिक, तो यहाँ पर 7 से जो अधिक दिया गया डी, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आपको 12 नंबर क्वेश्चन में, बोला जा रहा है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो कमरे के ताप में ब्रोमियम एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप में द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, बोला शीशा और टीन के मिश्र धातु से बनते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो शीशा और टीन के जो मिश्र धातु से बनता है उसे हम सोल्डर कहते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच में कितने आबंधन होते हैं, तो ऑक्सीजन के परमाणु के 2 बीच में 2 आबंधन होते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे उपभोक्ता श्रेणी में रखा जाता है, तो उपभोक्ता श्रेणी में आपको हरे पेड़ पौधा रहता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में, बोला जा रहा है कि कवक की पोषण कौन सी विधि द्वारा होता है, तो कवक की पोषण मृत जीवी द्वारा होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में, बोला जा रहा है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, तो मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में, बोला गया कि मानव में डायलिसिस थैली कहाँ होता है, तो मानव में जो डायलिसिस थैली होता है नेफ्रॉन में होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में, बोला जा रहा है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो पुष्पों में लैंगिक जनन होता है फूलों के द्वारा होता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में, आपको बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा, तो यहाँ पर हम 20 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जैव प्रकरण के अपघटित होने वाला पदार्थ है, तो जैव प्रकरण से अपघटित होने वाला पदार्थ इसमें जो दिया गया है वो सूखे घास पौधे पत्ते हो जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन यहाँ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें हम 2014 में जो फर्स्ट सेटिंग और सेकंड सेटिंग में जो पूछा गया था उसको प्रोवाइड करवा दिया हूँ। अब हम चलते हैं 15 में जो फर्स्ट सेटिंग में क्वेश्चन पूछा गया उससे रिलेटेड अब आ गया हूँ। ये 2015 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, 2015 में जो क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड सेटिंग का ये है, तो आप लोग ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, आप लोग को थोड़ा दिक्कत हो रहा है इसलिए सेकंड क्वेश्चन से हम चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है, ईजी और सिंपल क्वेश्चन है। तो प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन के दोनों के 2 नियम होते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है इसमें कि 220 वोल्ट विभवांतर पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध पूछा जा रहा है यानी आर बराबर आपको पूछा जा रहा है। तो आर बराबर जैसे कि होता है वी बटा आई, तो वी का जो मान है 220 वोल्ट दिया गया और आई का मान 2 है, तो यहाँ पर आप काटिएगा तो 110 ओम हो गया, तो फिलामेंट का प्रतिरोध 110 ओम हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में, आपको बोला जा रहा है कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान कितना होता है, तो माध्यम में अपवर्तनांक का जो मान होता है साइन आई बटा साइन आर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ये जो दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में, बोला जा रहा है कि 1 किलोवाट बराबर समतुल्य जूल कितना होता है, तो 1 किलोवाट बराबर आपको जैसा कि बताना देना चाहता हूँ कि 3.6 × 10⁶ जूल होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में, आपको बोला जा रहा है कि विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो विभवांतर का ऐसा मात्रक का आपको वोल्ट होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, बोला जा रहा है सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र NaCO3 होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 9 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि
सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट का आपको जैसा कि बता देना चाहता हूँ कि सोडियम बाय का सीओ सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र इसमें पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र जो होता है Na2CO3 होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाँ चलते हैं, नॉन नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कार्बोनिक समूह को सूचित किया जाता है। तो कार्बोनिक समूह को सूचित किससे किया जाता है? तो कार्बोनिक समूह को जैसे कि आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि कार्बोनिक समूह को जो सूत्र से COOH के द्वारा सूचित किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इथेनॉल एल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है। तो इसमें आपको 10 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि इथेनॉल एल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है। तो इथेनॉल एल्कोहल का अणुसूत्र होता है C2H6OH। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक है। तो आयनिक यौगिक के बाद तो यहाँ पर आयनिक यौगिक होगा CaCl2 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आवर्त सारणी में शून्य समूह को कहा जाता है। आवर्त सारणी के शून्य समूह किसे कहा जाता है? तो हीलियम वाले के शून्य समूह कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बोला जा रहा है कि मीथेन में कितने संयोजक बंधन होते हैं? तो मीथेन में 4 होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 और 14 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा अबकारक नहीं है? तो अबकारक इसमें तो यहाँ पर जो डी में ऑप्शन दिया गया है H2S जो हो जाएगा अब कारक नहीं है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको चलते हैं 15 नंबर में बोला जाए इथेनॉल एल्कोहल किस प्रकार का श्वसन से बनता है। तो 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, तो अब वायवीय से बनता है। तो अब हम चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है किस अलैंगिक में मुकुलन द्वारा होता है? तो मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आपको 17 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ओजोन परत पाई जाती है कहाँ? तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? जिस ओजोन परत एस्ट्रोस्फीयर में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि प्रांगण कण पाया जाता है किस में? तो प्रांगण कोष जो होता है कहाँ पाया जाता है? तो प्रांगण कण में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि विक्टर एवं घेंगा पनपता है आयोडीन की कमी से। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आपको 20 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि द ऑर्गेन ऑफ स्पीच कौन लिखे थे? तो डार्विन के द्वारा लिखा गया था। तो ये 2014 में आपको जो फर्स्ट सेकंड सिटिंग में एग्जाम में पूछा था उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं फर्स्ट सेटिंग में जो 2015 में पूछा गया उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन को प्रोवाइड करवाऊंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2015 में जो क्वेश्चन आपको फर्स्ट सेटिंग में पूछा गया तो उससे रिलेटेड आप लोग को मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किसी बल्ब को 1 मिनट पर 220 कूलाम के आवेश से प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? सोल्व करिएगा तो वहाँ पर आएगा 2 एम्पियर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है स्पेक्ट्रम से प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम में प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो कांच की झिल्ली का किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रा ओम होता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है तो वो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसमें बोला जा रहा है थोड़ा क्वेश्चन, इसमें आपको परिपथ में विद्युत धारा मापा जाता है जो ये क्वेश्चन बोला जा रहा है। तो वोल्ट मीटर द्वारा गैल्वेनोमीटर दिया है, एमीटर दिया। तो विद्युत धारा जो मापा जाता है एमीटर द्वारा मापा जाता है। तो 4 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण। तो ऑप्शन ए बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि किसी अवकरण में प्लस तथा ऋणात्मक हो तो चिन्ह परिपाटी को क्या कहा जाता है? तो इसे वोल्ट मीटर द्वारा कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आप लोग को क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है इसलिए आप लोग को दिक्कत हो रहा होगा। तो यहाँ पर चलिए हम चलते हैं 6 नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किससे होता है? तो उत्तल लेंस बनाने में किया जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नीला थोथा किसका रासायनिक सूत्र होता है? तो कैल्शियम सल्फेट 10H2O होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बोला जा रहा है कि लावण कौन है? तो लावण यहाँ पर आपको हो जाएगा K2SO4 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन में कितने संयोजक बंधन होते हैं? तो नाइट्रोजन में 2 संयोजक बंधन होते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र यहाँ पर पूछा जा रहा है तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो ऑप्शन बी ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप 12 नंबर आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वंश संपाद उत्तरदायी है किससे? तो वंश उत्तरदायी है लकड़ी से। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीनी का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है
तो चीनी का रासायनिक सूत्र आपको ऑप्शन सी में जो दिया गया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। बोला जा रहा है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथलाइल ऑरेंज को घोल को रंग से परिवर्तित कैसा हो जाता है, तो हरा रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 14 आपको नंबर 15 नंबर क्वेश्चन में। बोला जा रहा है श्वपोषी के लिए आवश्यक है, तो श्वपोषी के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है, तो कार्बोनेट को सोडियम। तो यहाँ पर 15 नंबर आपको क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ पर जो दिया गया ऑप्शन सभी राइट होगा यहाँ पर, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर में बोला जाए इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह होता है इंसुलिन की कमी से, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। खुले पाचनतंत्र किसमें होता है, तो खुले पाचनतंत्र कौज में होता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यूरो एज का संबंध किससे है, तो यूरो एज का संबंध जो होता है वायु से प्रदूषण से होता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनिवीकरणीय है, तो अनिवीकरणीय इसमें बोला जा रहा है कि कौन है, तो कागज हो जाएगा इसमें, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल का रंग वर्णक होता है, क्लोरोफिल वर्णक होता है कैसा, हरा, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 15 में जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको पूछा गया था फर्स्ट और सेकंड सेटिंग में आप लोग को करवा दिया हूँ। ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इससे आप लोग को अब रह गया 16, 17 और 18, 19। तो इस तरह से आपको चार साल के कुछ जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस है वो सेकंड पार्ट में आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर ये चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, तब फिर सेकंड पार्ट अगर लाऊंगा तो उससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहेगा। तो चलिए हम वीडियो को अंत करते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।